ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनर हो किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोटॉन? प्रोटॉन हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा? एच प्लस आयन। नाउ दिस एच प्लस आयन इज़ ओनली अ प्रोटॉन। ओके, एच प्लस आयन में क्या बचा? इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया, तो क्या बचा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब होता है एच प्लस आयन। तो जो प्रोटॉन डोनर हो किसी भी मीडियम में वो होंगे एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो किसी भी मीडियम में वो होंगे बेस। ये आर्हेनियस कंसेप्ट से अच्छा है क्योंकि आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं लेकिन केवल एक्वस मीडियम में, जबकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसी भी मीडियम में। तो एनी मीडियम कह के जो ड्रॉबैक था आर्हेनियस का वो यहाँ पर दूर कर दिया किसने? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। आर्हेनियस कंसेप्ट के लिए एक वीडियो और है पीछे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ एक रिएक्शन हो रहा है, ये CH3COH से ये बन रहा है। यहाँ से यहाँ आप इन दोनों को नोटिस करिए, CH3COH ने डोनेट किया है H प्लस आयन। अच्छा, NH3 ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन या H प्लस आयन। तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर हो, CH3 डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका एसिड। अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक, आगे बढ़ते हुए HCl से Cl माइनस, देखिए क्या हो रहा है, HCl से Cl माइनस, इट इज़ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। तो ये क्या होगा? प्रोटॉन डोनर आर एसिड। NH3 से NH4 प्लस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन। तो ये होगा आपका NH3 क्या होगा भाई? बेस होगा। ठीक, नाउ HClO4 से HF, अच्छा दोनों एसिड हैं मगर HClO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो देखिए यहाँ से यहाँ एक H प्लस आयन मूव कर रहा है, डोनेट H प्लस आयन, क्या बनेगा? एसिड। HF से H2F प्लस, एक H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये एक्सेप्टर हो गया, एक्सेप्ट्स H प्लस आयन। सो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो एक चीज़ और समझ में आई कि एसिडिटी बेसिसिटी आर रिलेटिव कंसेप्ट। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HF को बेस के जैसा एक्ट करना पड़ रहा है। अगर यहाँ कोई बेस होता, HClO4 की जगह कोई बेस होता, अमोनिया होता, तो HF अपना हाइड्रोजन अमोनिया को डोनेट करके एसिड के जैसा एक्ट करता, मतलब दीज आर रिलेटिव कंसेप्ट। नाउ अगर मैं Cl- को एक H प्लस दूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल ये माइनस है, H प्लस पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करेगा, मतलब इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन। H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है Cl- H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले क्या बनते हैं? बेस। तो Cl- आपका बेस बन सकता है। अब Cl- एक एसिड से आया है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये? कॉन्जुगेट बेस। NH4 प्लस के पास एक H प्लस आयन एक्स्ट्रा है, अगर मैं बोलूँ तो ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट H प्लस आयन, और जो डोनेट कर सकता है वो क्या होगा? एसिड। तो दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। ओके, नाउ ऊपर जाते हुए CH3CO- को H प्लस दूँ ले लेगा, इट कैन एक्सेप्ट एच प्लस आयन। ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस। NH4 प्लस अगेन इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है, इट कैन डोनेट H प्लस आयन, और अगर ये H प्लस आयन डोनेट करेगा तो ये एसिड होगा, और ऐसे एसिड को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ऐसा एसिड जो किसी बेस से बना हो, NH3 से बना है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। ऐसा बेस जो किसी एसिड से बना हो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इस एसिड और इस बेस के पेयर को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। NH3 और NH4 प्लस के पेयर को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एसिड से Cl O4- बन रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस और ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड।
अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब आने वाला है वो उस पर गौर करिए। देखिए ये एसिड है, ये बेस है, दोनों को कंपेयर करिए, एसिड और बेस को। दोनों में एक एच प्लस आयन का अंतर है, किसके पास एच प्लस ज़्यादा है? एसिड के पास। अमोनिया एन एच फोर में एन एच फोर एसिड है, किसके पास एच प्लस ज़्यादा है? एसिड के पास। दोनों में एक एच प्लस का अंतर है। एच सी एल सी एल माइनस में दोनों के पास एक एच प्लस आयन का अंतर है, किसके पास एच प्लस ज़्यादा है? एसिड के पास। किसके पास एच प्लस ज़्यादा है? एसिड के पास। किसके पास एच प्लस ज़्यादा है? एसिड के पास। मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय वन एच प्लस आयन, एंड हु हैज़ एक्स्ट्रा एच प्लस आयन? एसिड हैज़ एक्स्ट्रा एच प्लस आयन। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखने हैं, कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखने हैं। अपने को ये याद रखना है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक एच प्लस आयन का अंतर होगा और एसिड के पास एच प्लस आयन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अब अगर मुझे एसिड लिखना है तो मुझे एच प्लस आयन बढ़ाना होगा ना, एक एच प्लस आयन। मैं को अपन ऐसा करें, आप कि वीडियो पॉज करके इन्हें क्वेश्चंस को नोट करके सॉल्व भी कर सकते हैं आप ना। आंसर देखते हैं, एक एच प्लस बढ़ाना है एच थ्री ओ प्लस, एक एच प्लस बढ़ाना है एच टू ओ, एक एच प्लस बढ़ाना है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, एक एच प्लस बढ़ाना है एच बी आर, एक एच प्लस बढ़ाना है एच एन ओ थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ एच टू प्लस, ओके एन एच फोर प्लस एन एच थ्री एन एच थ्री एच टू एस ओ फोर एच टू सी ओ थ्री, सॉरी हाँ यहाँ पर एच थ्री ओ प्लस, एक मिनट सॉरी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, हमें कॉन्जुगेट बेस बनाने, बेस बनाना है मतलब हमें एच प्लस आयन कम करना है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक एच प्लस आयन का डिफरेंस होता है, एसिड के पास एच प्लस ज़्यादा होता है तो बेस के पास एच प्लस आयन कम होगा, तो हमें H प्लस आयन कम करना है। आइए कम करते हैं, एच टू ओ में से कम कर दिया ओ एच माइनस एन एच थ्री एच एस ओ फोर माइनस एच सी ओ थ्री माइनस सी एल ओ थ्री माइनस एफ माइनस एन ओ टू माइनस सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस सी ओ थ्री माइनस टू एस ओ फोर माइनस टू। ठीक है, अब ये दो स्पीशीज देखिए, लास्ट के दो एग्जांपल यहाँ और यहाँ, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, एसिड में भी लिखा है बेस में भी लिखा है, मतलब एक ऐसी स्पीशीज है हेम्फोटेरिक जो एसिड और बेस दोनों के जैसा एक्ट कर सकती है ना। सपोज आगे बढ़ते हुए, एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा टूट जाता है, पूरा टूट के एच सी एल सी एल माइनस बनाना चाहता है, सी एल माइनस इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि सी एल माइनस इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल, तभी ऐसा रहना नहीं चाहता, तुरंत टूट जाता है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ये टूटना नहीं चाहता, क्यों टूटना नहीं चाहता? क्योंकि अगर ये टूट गया तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ठीक है, अभी मोर स्टेबल है इसीलिए ये टूटना नहीं चाहता। अब जरा इसका उल्टा सोचिए, मैंने सी एल माइनस को एक एच प्लस दिया, सी एल माइनस को एक एच प्लस दिया, मैंने बोला एच सी एल बना ले, क्या सी एल माइनस इस एच प्लस को लेना चाहेगा? अगर वो इस एच प्लस को ले लेता है तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल हो जाएगा, मतलब सी एल माइनस डज नॉट वॉन्ट्स टू गेन एच प्लस आयन, उतना उसका मन नहीं है, मतलब ये बेस तो होगा, लेना तो पड़ेगा ही चूंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मगर एक ऐसा बेस होगा, ये होगा वीक कॉन्जुगेट बेस, ये होगा एक वीक कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, सी एच थ्री सी ओ माइनस को मैंने बोला कि एच प्लस गेन करके एसिटिक एसिड बना ले, ये तुरंत ले लेगा, तुरंत इसलिए ले लेगा चूंकि अभी लेस स्टेबल है, अगर गेन कर लेता है तो मोर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये गेन कर लेगा ईजिली, गेन्स अच्छे से गेन कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस।
अब जो बात याद रखने लायक है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, जबकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात याद रखने लायक है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग। यही सब कुछ एसिड के लिए भी चल जाएगा, एसिड बेस सब के लिए चल जाएगा। नाउ बिहेवियर ऑफ वाटर, आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखिए, वाटर जो है HCl से बना रहा है Cl माइनस, यानी ये क्या कर रहा है H प्लस आयन, मतलब सॉरी, वाटर जो है H2O से बना रहा है H3O प्लस। तो यहाँ से यहाँ जाने में ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन, और एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है भैया, बेस। इस समय वाटर बेस के जैसा है। हाँ, अब यहाँ से यहाँ देखिए अगले वाले रिएक्शन में, हाँ, वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, और जो डोनेट करने वाला होता है H प्लस आयन, यहाँ से यहाँ देखिए डोनेट कर रहा है, वो क्या कहलाता है भैया, एसिड। तो वाटर जो है वो कभी बेस के जैसा कभी एसिड दोनों के जैसा एक्ट कर सकता है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। आर्हीनियस के कंसेप्ट में वाटर न्यूट्रल था, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट में वाटर एम्फोटेरिक। तो यहाँ बढ़िया सवाल बन सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड एंड बेस कम्बाइंस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। मगर आप यहाँ देखिए, एसिड है, ये एसिड होगा, ये एसिड है, ये बेस है, मगर सॉल्ट और वाटर नहीं बन रहा। ये बेस है, ये एसिड है, मगर सॉल्ट और वाटर कहाँ बन ही नहीं रहा। तो ये वाली जो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है वो इस कंसेप्ट में काम नहीं करेगी। लेकिन हम ये जानते हैं, पहले हमने पढ़ा कि जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। तो अपन अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की नई डेफिनेशन देंगे जो इस कंसेप्ट के लिए होगी, जो कहलाएगी एसिड और बेस मिलके बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड। ये डेफिनेशन भी आर्हीनियस कंसेप्ट से अलग है। आर्हीनियस कंसेप्ट में एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रॉबैक्स, आर्हीनियस कंसेप्ट के ड्रॉबैक थे कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें H प्लस नहीं होगा वो एसिड नहीं हो सकते, जिनमें OH नहीं होगा वो बेस नहीं हो सकते। यहाँ पर भी वो ड्रॉबैक तो है, जिन सब्सटेंस के पास H प्लस नहीं होगा वो एसिड नहीं कंसिडर किए जा सकते, और जो सब्सटेंस H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो बेस नहीं कंसिडर किए जा सकते। लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट का एक और ड्रॉबैक था कि वो एक्वस मीडियम के लिए, मतलब एक्वस मीडियम उस कंसेप्ट में बहुत ज़रूरी था, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट में एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही कह दिया एसिड्स वो है जो H प्लस आयन डोनेट करते हो किसी भी मीडियम में, और बेस वो हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हो किसी भी मीडियम में। किसी भी मीडियम को कह दिया मतलब एक्वस मीडियम की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।